नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम मराठी सुलभ भारती स्टैंडर्ड 3 से लेसन नंबर 31 पढ़ेंगे। पाठ क्रमांक 31, पाठ का नाम है आमची सहल। आमची सहल मतलब हमारी पिकनिक। चलो फिर जान लेते हैं किस पिकनिक का वर्णन इस पाठ में किया है। आमची सहल मधुबन बागेत गेली होती। बगीचा का नाम है मधुबन। हमारी पिकनिक मधुबन बगीचा में गई थी। बाग सुंदर आणि मोठी होती। वो बगीचा बहुत ही सुंदर था, बहुत ही बड़ा था। बागेत विविध फुला फळांची झाडे होती। विविध मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, झाडे मतलब पेड़। उस बगीचा में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल और फलों के पेड़ थे। झाड़ांवर पक्षी होते, पक्षी मतलब पंछी। पेड़ों पे पंछी थे। सगळीकडे सुंदर हिरवळ होती। हिरवळ मतलब हरियाली। सब जगह सुंदर हरियाली थी। बागेत पाण्याचा हौद होता। पाण्याचा हौद मतलब पाणी का कुंड या पाणी का जलाशय। उस बगीचा में पाणी का एक जलाशय था। हौदात कारंजे होते। कारंजे मतलब फाउंटन या फव्वारा। उस जलाशय में फाउंटन थे। घसरगुंडी, झोपाड़ा, सीसॉ होते। घसरगुंडी का मतलब होता है फिसलन या स्लाइडिंग। झोपाड़ा मतलब झूला या स्विंग और सीसॉ। उस बगीचा में स्लाइडिंग, स्विंग और सीसॉ थे। सगड़े खूब खेले, खूब मजा ली। सब जन बहुत खेले, उन्हें बहुत मजा आया। बागे सुंदर सुंदर फूले फुलली होती। फुलली होती मतलब खिले हुए थे। उस बगीचा में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलान बहुती रंग बिरंगी फुलपाखरे फिरत होती। उस फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां घूम रही थी। मला एक फूल खूब आवडले। मुझे एक फूल बहुत अच्छा लगा। आवडले मतलब अच्छा लगना। ते फूल तोड़ावे से वाटले। वाटले मतलब इच्छा होना। मुझे उस फूल को तोड़ने की बहुत इच्छा हुई। मैं फूलांजवळ गेलो। मैं उस फूल के पास गया। फुलाला हाथ लावला। उस फूल को हाथ लगाया। पण लगेच मला आठवले। लगेच मतलब तुरंत। आठवले मतलब याद आना। पर मुझे तुरंत याद आ गया। बागे शीर्तना बाई ने सूचना दिली होती। सूचना देना मतलब निर्देश देना, इंस्ट्रक्शंस देना। बगीचा में आते समय शिक्षिका ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, निर्देश दिए थे। बागे सगळीकडे फिरा, गमती जमती पहा। बगीचा में सब जगह घूमो, दिलचस्प चीजें देखो। सुंदर पाने फूले पहा, मजा करा, खूब खेला। सुंदर सुंदर पत्तियां देखो, रंग बिरंगे फूल देखो। बहुत मजा करो, बहुत खेलो। पण कशाला हाथ लावू नका, पाने फूले तोड़ू नका। पर किसी चीज को हाथ मत लगाना। पाने फूले तोड़ू नका, पत्तियां फूल मत तोड़ना। तोड़ू नका मतलब मत तोड़ना। ती बागेची शोभा है। शोभा मतलब सौंदर्य, शान। वो पत्तियां फूल इस बगीचा के सौंदर्य है, शान है। मी लगेच हाथ मागे घेतला। शिक्षिका ने दिया हुआ निर्देश याद आने के बाद मैंने मेरा हाथ तुरंत पीछे लिया। फुलांकडे पाहिले, उन फूलों को देखा। पाहिले मतलब देखना। झाडांवर फुले डोलत होती। पेड़ों पर फूल डोल रहे थे। सगळी मुले आनंदाने नाचत होती। सब बच्चे आनंद से, खुशी से डोल रहे थे, नाच रहे थे। प्रकृति के सानिध्य में हमारा मन भी डोलने लगता है, नाचने लगता है। इसके साथ ही ये पाठ खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।